हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक बोर्ड है जो कि एक्सटेंशन बोर्ड है, जिसमें एक 5-पिन सॉकेट है, एक स्विच है और एक इंडिकेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कनेक्शन जानेंगे और आप भी इस तरह के बोर्ड में कनेक्शन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं जल्द से और आपको दिखाते हैं कि ये कैसा है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह ये दिख रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्विच है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर है जो कि रेड कलर का है। ठीक है, अभी जब ये जलेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये है इसका सॉकेट। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से ओपन करते हैं और आपको कनेक्शन इसमें दिखाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रू हमने निकाल दिया है। ठीक है, इसको हम बैक साइड करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह ये इसका बैक साइड है। ठीक है, तो ये हमारा सॉकेट है, ये स्विच है और ये हमारा इंडिकेटर है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है नीचे। अब देख, इसकी एक वायर ये है और एक वायर ये है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 100K का रेजिस्टेंस है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब कनेक्शन शुरू करते हैं। तो हमने फेज़ के लिए हम रेड वायर का यूज़ करेंगे। अब देख सकते हैं, तो इसमें जो कनेक्शन होगा इंडिकेटर से वो दो प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है कि जब लाइट आए तो डायरेक्टली ये जले और स्विच से कोई भी मतलब नहीं रहेगा, स्विच इससे ऑन ऑफ होगा इसका। ठीक है, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब हम स्विच को ऑन करें तब ये ऑन हो। ठीक है, यानी कि जब लाइट आ जाए, अगर हम बंद कर दें स्विच यहाँ से तो ये भी बंद हो जाएगा इंडिकेटर भी, और जब हम स्विच को ऑन करेंगे तब इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। तो ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, तो आपको जैसा लगता है वैसा ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, इसको डायरेक्ट यानी कि जब लाइट आ जाएगी इस बोर्ड में तो ये डायरेक्ट जलता रहेगा, स्विच से मतलब नहीं रहेगा। स्विच को चाहे ऑन हो और चाहे ऑफ हो, ये डायरेक्ट जलता रहेगा। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे बोर्ड में सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन है हम उसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो फेज़ वायर है ये हम स्विच के निचले वाले पॉइंट पर लगाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर लगा दिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर और भी कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि फ्यूज इंडिकेटर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हमने स्विच के निचले वाले पॉइंट पर लगा दिया। ठीक है, अब हमें इंडिकेटर को डायरेक्ट रखना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इंडिकेटर का। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ फेज़ लगाया है तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे, तो इसको हम फेज़ से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला जो वायर है वो यहाँ पर न्यूट्रल में लगाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर N लिखा हो, यहाँ पर L लिखा हो, L मतलब लाइन और N मतलब न्यूट्रल। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहीं से हम न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर लेंगे जो हमने ब्लैक वायर ली है न्यूट्रल के लिए। ठीक है, तो यहीं से हम न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर लेते हैं जो हमारी सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं साथ में और इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंडिकेटर है वो डायरेक्ट रहेगा, यानी कि जब लाइट आएगी बोर्ड में तो इंडिकेटर हमारा जलता रहेगा, और चाहे हम स्विच को ऑन करें चाहे ऑफ करें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए कनेक्ट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारी न्यूट्रल हो गई और ये हमारी फेज़ हो गई। अब हम स्विच से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं लाइन वाले पॉइंट पर। ठीक है, जिससे हम स्विच से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको स्विच से ऑन ऑफ करना होता है इंडिकेटर को, तो यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पर लगाया है इसको हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट इंडिकेटर चाहिए, स्विच से कोई भी मतलब नहीं रहेगा, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट दोनों को लगा दिया। ठीक है, एक फेज़ एक न्यूट्रल। अब हम यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, स्विच से यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमारा जो सॉकेट है वो स्विच के थ्रू हो गया। ठीक है, अब जो हमारा इंडिकेटर है वो डायरेक्ट है क्योंकि फेज़ में लगा हुआ है, यहाँ से आया है और उसके बाद यहाँ से न्यूट्रल में लगा हुआ है, ये डायरेक्ट। ठीक है, तो कनेक्शन कंप्लीट हो गया, इसको हम चेकअप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक पॉइंट निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक साइड हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये हमारा बोर्ड हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई आ रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं सप्लाई आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये हमने इसको लगा दिया, दूसरा वायर हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, हमने दोनों लगा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट ब्लिंक हो रही है। ठीक है, हम लाइट बंद करके आपको दिखाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये लाइट जल रही है जो कि यहाँ से हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, वहाँ पर इसको हम ऑफ करते हैं, तो आप देख सकते हैं लाइट जली गई है, अब ये जल गई है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है स्विच से, ये वाले स्विच से।
ये स्विच हुई इसके लिए, ठीक है, बोर्ड में सप्लाई आ रही है। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए ये हमारे पास बल्ब है, इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा बल्ब जल रहा है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आज के लिए नहीं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई कमेंट हो तो कमेंट ज़रूर करें और इसके बारे में ज़रूर बताएं कि ये बोर्ड का कनेक्शन आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।